प्यार की में पॉइजन धीरे धीरे तनुजा पर असर दिखा रहा है और मल्लिका और दिव्या चुपचाप बैठ कर ये सब ड्रामा देख रही है। तेरा कसम तेरे प्यार की में ऋषि और तनुजा को एक दूसरे से अलग करने की मल्लिका की कितनी कोशिशें हमेशा ही नाकामयाब रही है, लेकिन वो फिर भी तनुजा के चैप्टर को ऋषि की लाइफ से हमेशा के लिए खत्म करना चाहती है। तनुजा को दिव्या और पूरब की सच्चाई पता चल जाती है कि वो लोग ऋषि को बिजनेस में धोखा दे रहे हैं और इसीलिए वो उन लोगों की सच्चाई सबके सामने लाना चाहती है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि दिव्या भी मल्लिका के साथ मिलकर उसको मारने का प्लान बना रही है। दिव्या दूध के ग्लास में जहर मिलाकर आहाना को देती है कि वो ये ग्लास तनुजा को दे दे पीने के लिए, और दूध पीते ही वो सांस नहीं ले पाती है और उसे बहुत ही रेस्टलेस फील होना शुरू हो जाता है। तनुजा को काफी प्रॉब्लम होने लगती है और वो जहर धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी में फैलना शुरू हो जाता है। अब देखते हैं कि कैसे ऋषि तनुजा को इस पॉइजन के अटैक से बचा पाता है, उसे कैसे इस सारी सच्चाई का पता चलता है। वेल शो से जुड़ी सारी अपडेट्स जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब। कसम तेरे प्यार की में पॉइजन धीरे धीरे तनुजा पर असर दिखा रहा है और मल्लिका और दिव्या चुपचाप बैठ कर ये सब ड्रामा देख रही है। तेरा कसम तेरे प्यार की में ऋषि और तनुजा को एक दूसरे से अलग करने की मल्लिका की कितनी कोशिशें हमेशा ही नाकामयाब रही है, लेकिन वो फिर भी तनुजा के चैप्टर को ऋषि की लाइफ से हमेशा के लिए खत्म करना चाहती है। तनुजा को दिव्या और पूरब की सच्चाई पता चल जाती है कि वो लोग ऋषि को बिजनेस में धोखा दे रहे हैं और इसीलिए वो उन लोगों की सच्चाई सबके सामने लाना चाहती है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि दिव्या भी मल्लिका के साथ मिलकर उसको मारने का प्लान बना रही है। दिव्या दूध के ग्लास में जहर मिलाकर आहाना को देती है कि वो ये ग्लास तनुजा को दे दे पीने के लिए, और दूध पीते ही वो सांस नहीं ले पाती है और उसे बहुत ही रेस्टलेस फील होना शुरू हो जाता है। तनुजा को काफी प्रॉब्लम होने लगती है और वो जहर धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी में फैलना शुरू हो जाता है। अब देखते हैं कि कैसे ऋषि तनुजा को इस पॉइजन के अटैक से बचा पाता है, उसे कैसे इस सारी सच्चाई का पता चलता है। वेल शो से जुड़ी सारी अपडेट्स जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब।